जय गुरु जी। संगत जी, मैं इशिता एडमिन इस चैनल इशिता दा फॉलोअर ऑफ गुरु जी की कृपा से आज मैं गुरु जी की संगत जी के साथ बहुत अपनी प्यारी ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा 26 मई को बर्थडे होता है और मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी का सत्संग करूँ, बट जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं हो सकती हम सत्संग नहीं शेयर कर सकते, हम सत्संग कर ही नहीं सकते घर पे। बस उस दिन मेरे मैंने 25 मई को जो गुरु जी का स्वरूप गुरु जी की ब्लेसिंग से घर में आया, तो बस गुरु जी का वेलकम करने के लिए उस टाइम मैंने वेलकम बैंड प्ले किया कि चलो गुरु जी घर पे आए हैं, वेलकम बैंड प्ले करते हैं। उस दिन था अभी मंडे, तो मैंने क्या किया, 2 घंटे की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे लगा ली, तो मेरा वो प्लेलिस्ट बंद करने का मन ही नहीं किया। मैं वो प्लेलिस्ट चला कर चुपचाप उनके साथ बैठ गई और बस उनके तो प्लेलिस्ट चलती गई तो उनके साथ बैठ गई, तो बस वही उनके जो गुरबानी चल रही थी उन्हीं में बस मेडिटेट करते करते वहीं गुरु जी का सत्संग होना शुरू हो गया। तो बीच में लगा कि अगर कर ही रहे हैं तो क्यों ना प्रॉपर किया जाए, तो बस फटाफट उठी बीच में और चाय प्रसाद बनाया और साथ में गुरु जी को बिस्किट का पैकेट बंद पड़ा था तो वो उनको रख दिया, तो बस जैसे बनाया उनको रखा, तो एक प्रॉपर इतने मन में सत्संग शुरू हुआ, तो इतनी इच्छा कहते हैं ना, इतना अच्छा लगने लग गया मन में कि गुरुजी आप बिना बताए बिना किसी टाइमिंग से सत्संग करवा रहे हो। मतलब कुछ मतलब मन में नहीं था कभी, टच वुड 2 साल हो गए गुरुजी से जुड़े बट अभी तक सत्संग करने का मौका नहीं मिल पाया था, बट पहली बार गुरुजी ने इस तरह से सत्संग करवाया वो बर्थडे से एक दिन पहले और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। तो जैसे जैसे घर पे सत्संग चल ही रहा था उसी दौरान मेरी मदर को कॉल आया हमारे नेबर का जो यहाँ से जा चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, तो वो हमें पता नहीं था वो भी गुरु जी की संगत है। वो मेरी मदर को कॉल करके कहते हैं कि जय गुरु जी, तो मेरी मदर भी कहते हैं जय गुरु जी, कहते आप भी गुरु जी को मानते हो, कहते हाँ जी, कहते हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। तो उसी दौरान पहली बार अकेले बैठ के सत्संग कर ही रहे थे कि बस उसी टाइम कॉल आया कि आपके घर में सत्संग हो रहा है। इतना अच्छा फील हुआ ना, क्योंकि उस दौरान लग रहा था कि बस गुरु जी का सत्संग हो रहा है, हम अकेले बैठे हैं, कोई और नहीं है, शायद मन में लगता है ना कि बस अच्छे वे से हो, बट उस टाइम जो गुरु जी ने बस संगत जी का कॉल आया कहते आपके घर में सत्संग हो रहा है, इतनी खुशी हुई ना कि गुरु जी ने हमारा सत्संग स्वीकार कर लिया है। बस वो मेरे कहते ना, मैंने उनसे मांगा था कि गुरु जी मुझे मेरा सत्संग चाहिए। मैंने गुरु जी से बर्थडे पे एक दिन उनसे विश मांगी थी कि मुझे मेरा सत्संग चाहिए, मुझे मेरे बर्थडे पे प्लीज़ एक ऐसा अच्छा सा सत्संग करवा दो। और 25 मई को गुरु जी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया शाम को 6 से 8 बजे तक, और बस बीच में 7:30 के बाद जब उनके लिए फटाफट हमने हलवा प्रसाद बनाया, गुरु जी को भोग लगाया, बस वो मेरा लाइफ का बेस्ट बर्थडे था जब गुरु जी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। बस आगे भी गुरु जी ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग करवाते रहें और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।